बिहार के मोतिहारी में चलती ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन के इंजन में आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मोतिहारी से। बिहार के मोतिहारी में चलती ट्रेन में आग लग गई है, ट्रेन के इंजन में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें भी देखिए इस वक्त आपके सामने है। रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी ये ट्रेन और मोतिहारी के पास इसके इंजन में आग लग गई। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, कितनी भीषण ये आग है, कैसी लपटें और कैसा धुआं इस इंजन से निकल रहा है, ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। चलती ट्रेन में आग लग गई, बिहार में बर्निंग ट्रेन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। और अगर ऐसी स्थिति में इंजन के जो कंट्रोल है अगर वो फेल हो जाते हैं तो हादसा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से ये हादसा टल गया है। लेकिन आग लगने की वजह से इंजन पूरी तरह से जल गया है। अमूमन इस तरह के हादसे बहुत कम पेश आते हैं जब ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग जाए, लेकिन बिहार के मोतिहारी में चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन के इंजन ने आग पकड़ ली और पूरा इंजन धू धू करके जल गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए, आपको ये बता दें कि ये जो ट्रेन है वो रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी, लेकिन बीच में ही आग लगने के बाद ड्राइवर ने इस ट्रेन को रोक दिया। और बड़ी बात यही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इंजन के कंट्रोल फेल हो जाते हैं, अगर नियंत्रण में नहीं रहते, अगर ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है कि पायलट ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई है और इस ट्रेन को इंजन को कंट्रोल में किया, रोक लिया। और इसके बाद जो अग्निशमन दल है, जो दमकल कर्मी है, वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन तब तक इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये देखिए तस्वीरें, कितनी भीषण आग इस इंजन में लगी हुई है। मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं, बिहार में बर्निंग ट्रेन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है, एक ट्रेन के इंजन में आग लग गई। मोतिहारी में ये हादसा हुआ है, ये ट्रेन जो है वो रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी और अचानक इसके इंजन में आग लग गई। इसकी वजह क्या रही ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा।